अब आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड के काशीपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिर भी जो किसान हैं, जो पीडीएस साहब में जो बारदाने हैं, जो राइस मिलर हैं, उससे लेके हम लोग काम चलाए थे। इस साल कोरोना का प्रभाव उतना नहीं रहा, फैक्ट्रियां उतनी बंद नहीं थी, उसके बाद ही भारत सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही। 51 शक्तिपीठों में से एक मां चैती देवी का आशीष प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को भगवान मोटेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचा हूं। आज काशीपुर में बहुत सारे विकास कार्यों को विकास की गति मिली है। अब काशीपुर पहले से और बेहतर और आधुनिक शहर के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगा। आज हमने यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मुख्य सेवक के रूप में मुझे जितना भी समय मिला है उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने प्रदेश की जनता का जीवन स्तर सुधारने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए तय किया हुआ है। पिछले 5 माह में लगातार हमने 500 से भी अधिक लोक हितकारी फैसले लिए हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर वन प्रदेश नहीं बन जाता है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे और उन्होंने वहां पर 18,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं यहां के लिए स्वीकृत करी हैं, जिन पर बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं पूरी होने वाली हैं और बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश की तरक्की के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे का मामला हो, चाहे आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाना हो, अतिथि अध्यापकों की मांग को पूरा करना हो या उनकी वेतन में बढ़ोतरी करना हो, आज राज्य सरकार हर किसी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमारे गांव, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधि अगर हर प्रकार से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जो 14वां वित्त जारी किया था उसमें हमारे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम करने वाले प्रतिनिधियों को सशक्त होने का एक अच्छा माध्यम मिला था। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन सरकार की योजनाओं को लागू कराने का काम कोई करता है तो हमारे जो चाहे वार्ड में काम करने वाले हो, नगरपालिका क्षेत्र में हो या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के लोग हो, जिला पंचायत के लोग हो, उनके माध्यम से योजनाएं चलती हैं। इसलिए हमने तय किया कि हम सभी का मानदेय बढ़ाएंगे और हमने उन सबका मानदेय बढ़ाया है, सभी को मानदेय देने का काम किया है। हमारी आशा बहनें लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, उन बहनों को हमने उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे भोजन माताओं का हमने मानदेय बढ़ाया है, साथ में पीआरडी के जवानों का भी जो प्रांतीय रक्षक दल के रूप में काम करते हैं उनका मानदेय भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। ऐसे आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, यहाँ की मेयर हमारी बहन, साथ में पीआरडी के जवानों का भी जो प्रांतीय रक्षक दल के रूप में काम करते हैं उनका मानदेय भी
सरकार, मनोज सरकार का नाम आया था, जो सामान्य परिवारों में पैदा हुए लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया। जब वो जीत गए तो उनको पदक देने वालों की भरमार लग गई, उनको पारितोषिक देने वालों की भरमार लग गई, खूब सारे आ गए। लेकिन उससे पहले आप उनसे पूछिए उनकी स्थिति क्या होगी। ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में है, अब इन प्रतिभाओं को कहीं भटकना ना पड़े इसलिए हमने नई खेल नीति में इन बच्चों की जाने की व्यवस्था करी है, इन बच्चों की रहने की व्यवस्था करी है, इनके खेलने की व्यवस्था करी है, यानी कि भाड़ा से लेकर, किराया से लेकर, खाने से लेकर, आने जाने की सारी व्यवस्था सरकार ने नई खेल नीति में करी है। नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। मैं भाई बहनों आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के साथ उनका एक विशेष लगाव है। हमने उत्तराखंड के लिए, चूंकि आप देखते होंगे पूरे हमारे यहां पर जो एम्स का सेंटर खुला हुआ है, एम्स के सेंटर में ऋषिकेश जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहां से दूर हो जाता है, दिल्ली यहां से दूर हो जाता है, इसलिए अब आपके क्षेत्र में हमने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहां पर होना चाहिए, एम्स की एक और शाखा खुलनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सभी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को इस उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने का जो है वहां से स्वीकृति प्रदान कर दी है। बहुत सारी सड़कों के बारे में आपके यहां पर, चूंकि आप जब यहां मुरादाबाद से इधर आएंगे तो मुरादाबाद से यहां आने के लिए अब आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, मुरादाबाद का काशीपुर के लिए बाईपास स्वीकृत हो गया है। अभी हल्द्वानी जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा उस दिन इस योजना का शिलान्यास होने वाला है, आप रामपुर वाले बाईपास का शिलान्यास होने वाला है, आपके काशीपुर क्षेत्र से जाने वाली तमाम चीजें जो आगे को जाती हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण होने वाला है। इसी प्रकार से आप जब यहां से हरिद्वार जाते हैं या देहरादून जाते हैं तो आपको हरिद्वार और देहरादून जाने के लिए अब आपको एक घंटे से डेढ़ घंटे की दूरी कम होने वाली है। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे दूरी कम हो जाएगी, रास्ता तो उतना ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ये दूरी जो काशीपुर से आप यहां से जसपुर जाते हैं, जसपुर से आप अफजलगढ़ जाते हैं और अफजलगढ़ से आप धामपुर जाते हैं, धामपुर से आप नगीना जाते हैं, आने वाले समय में आपको अब अफजलगढ़ से धामपुर नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहां से सीधे नगीना के लिए रोड निकलने वाला है सीधे सीधे, जिससे आपकी एक घंटे से डेढ़ घंटे की दूरी और कम होने वाली है। तमाम सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है, हमारे यहां पर जमरानी बात परियोजना, उस योजना को भी स्वीकृति मिलने वाली है। देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की आजादी के बाद कोई स्कीम आई है तो स्कीम आई है आयुष्मान भारत योजना, और यह आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश के हर व्यक्ति को यह एहसास कराया है, यह विश्वास दिलाया है कि अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था किसी ने की है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने की है। आप एक तरफ देखिए विश्वव्यापी कोरोना महामारी चारों तरफ आई और इस कोरोना महामारी के समय में भी लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो अन्न देने की व्यवस्था की गई है, 5 किलो राशन देने की व्यवस्था की गई है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में हमको ये मार्च 2022 तक के लिए उन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना को उन्होंने लागू कर दिया है। जो नवंबर तक योजना थी वो योजना का अन्न अब जो है हमको 2022 तक भी मिलने वाला है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जिससे हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम हुआ है। चूल्हा फूंकते फूंकते, जंगलों से लकड़ी लाते लाते, चूल्हे के पास बैठकर एक दिन में 300 बीड़ी और 300 सिगरेट के बराबर धुआं उनके कलेजे के अंदर चला जाता था, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से भी निजात दिलाने का काम
मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना से भी हमारे लाखों लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को मकान देने का काम हुआ है। हमारी किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खातों में लगातार पैसा डालने का काम हुआ है। इससे 9 लाख से भी ज्यादा किसानों को हमारे उत्तराखंड के अंदर लाभ मिला है। भाइयों बहनों, अभी हमारी सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित किया है। हमने 355 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सब मिलाकर अगर हम देखेंगे 9.5 रुपए हमने भाड़ा किया है। सामान्य प्रजाति में हमने 345 रुपए किया है। सब मिलाकर अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 29.50 रुपए ज्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अभी हमने जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए हम बात्सल्य योजना लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री बात्सल्य योजना। इस मुख्यमंत्री बात्सल्य योजना के माध्यम से उन बच्चों को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए भरण पोषण की राशि दी जाएगी, जिससे कि उन बच्चों के भरण पोषण का काम चलेगा। और साथ ही साथ जब वो बच्चे 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उन बच्चों को हम 5% का क्षैतिज आरक्षण भी देंगे, जिससे कि उन बच्चों को आगे आने में कोई परेशानी ना हो। हमारी माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में यहां आई हैं, हमने पहले 2 बच्चों के पैदा होने पर उन माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। और उस मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से उसमें बच्चे के पैदा होने के बाद माता को और बच्चे को जिस सामान की भी जरूरत पड़ती है वो सामान उस किट के अंदर उपलब्ध होगा। ये किट हम प्रत्येक बहन को उपलब्ध कराएंगे जो भी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन में आएंगी। अभी हमने नंदा गौरा का जो 15-16 का बचा हुआ जो पैसा था, बहुत सारी बहनें इससे वंचित रह गई थी, हमने पुनः इसको देने का काम शुरू किया है। उसके लिए हमने धनराशि जारी कर दी है। ऐसे तमाम काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी यहां से, हमने बहुत सारे बहनों को यहां पर 10 बहनों को हमने स्वयं सहायता समूह की बहनों को चेक बांटे थे। हम चाहते हैं ये स्वयं सहायता समूह और तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, रोजगार लाना चाहते हैं, हर किसी को काम देना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं। सरकार